हेलो 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 फ्रेंड, तो आज हम पढ़ाई करने वाले हैं इक्नो आइडिया के बारे में। ओके, इक्नो आइडिया एक पालियोजोइक से स्टार्ट होने वाला फॉसिल है। ओके, ये कौन सा किंगडम से आया है? इसका किंगडम है एनिमलिया किंगडम। तो किंगडम क्या है दोस्तों? एनिमलिया किंगडम से आया है। इसका फाइलम दोस्तों है PHYLUM। फाइलम क्या है दोस्तों? इचिनोडर्माटा, ये थोड़ा याद रख लेना, इचिनोडर्माटा। ओके, उसका किंगडम क्या है दोस्तों? एनिमलिया किंगडम से आया है। और फाइलम क्या है? इचिनोडर्माटा। ओके, तो सब फाइलम क्या है दोस्तों? इसका इक्नोजोया। तो उसी से ही ये इक्नो आइडिया मतलब क्लास आया है। ओके, डेफिनेटली ये दोस्तों इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये कहाँ से कहाँ तक मिलता है दोस्तों? ये सब ओशन पे, ये एक्सक्लूसिवली मेराइन फॉसिल है, एक्सक्लूसिवली मेराइन ऑर्गेनिज्म। ओके, मेराइन फॉसिल एक्सक्लूसिवली मेराइन पे ही मिलेगा। इट मीन्स आप कभी भी ये फॉसिल आपको देखने को मिल रहा है तो डेफिनेटली ये किस जो रॉक में ये मिल रहा है उसी रॉक को आप डायरेक्टली इंडिकेट कर सकते हैं कि ये मेराइन एनवायरमेंट वाला रॉक है। ओके, मेराइन रॉक है। ओके, तो उसका फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें क्या है कि ये कहाँ? सभी ओशन में, एक्सक्लूसिवली मेराइन, एंड यू कैन गेट ऑल दिस इक्नो आइडिया इन एवरी ओशन। सभी वेराइटी का इक्नो आइडिया सभी ओशन में, जैसे कि पोलर में कुछ नॉर्दर्न ओशन रहता है, अंटार्कटिका, मतलब बहुत ही। आप इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है दोस्तों ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट से, ट्रॉपिकल ओशन टू पोलर ओशन ये किसी भी टेम्परेचर में दोस्तों बढ़ सकते हैं। ये इसका खासियत है, मतलब कि ये गर्म में भी, ट्रॉपिकल में टेम्परेचर अगर आप देखें तो ओशन का एवरेज 28 डिग्री सेल्सियस, ये पोलर में थोड़ा घट जाता है दोस्तों, वहाँ पे भी आपको बहुत सारे इक्नो आइडिया देखने को मिल जाएगा। ये क्लाइमेट तो उसका ऐसा ही था, लेकिन डेप्थ वाइज भी, अगर डेप्थ वाइज देखेंगे, तो ये सालो मेराइन एनवायरमेंट, मतलब सालो मेराइन एनवायरमेंट कहाँ पे दिखता है? अगर आप सेल्फ ले जाते हैं, सेल्फ टू अल्ट्रा वाइसल, मतलब कि हार्डल जोन हैविंग दिस इज द हार्डल जोन, मींस दिस इज द अल्ट्रा अवाइसल जोन। अवाइसल जोन का जितना डेप्थ होता है उससे भी ये ज़्यादा डेप्थ है दोस्तों, एवरेज 6000 मीटर से भी ज़्यादा। ओके, उतना डेप्थ में डेप्थ वाले को हार्डल जोन बोलते हैं। कभी कभी ये समझ लीजिए कि ट्रेंच डेप्थ, मतलब ट्रेंच में भी जितना डेप्थ हो जाता है, मतलब 6000 मीटर से भी ज़्यादा, क्योंकि 6000 को हम बोलते हैं एवरेज या वाइसल, उससे भी अगर ज़्यादा डेप्थ में, डेप्थ को हम क्या बोलते हैं? हर्डल जोन। और इसी डेप्थ में हमें ये इक्नो आइडिया जैसा फॉसिल अभी तक हमें मिल चुका है। तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है डेप्थ वाइज अगर कैलकुलेट करेंगे तो सेल्फ में भी ये मिलता है, सालो मेराइन से भी बहुत ही ग्रेटर डेप्थ मेराइन एनवायरमेंट भी मिलता है। तो ये इसका क्लाइमेट ये हो गया, और ये डेप्थ वाइज उसका हम डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे निकाल दिए। ओके, तो इसी फॉसिल से आप दोस्तों डेप्थ पता नहीं कर सकते। ओके, कुछ फॉसिल है आप डेप्थ मतलब की चूज कर सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पे क्लाइमेट कौन सा है ये भी ठीक से पता नहीं, लेकिन एक एनवायरनमेंट इसका पता कर सकते हैं, वो है मेराइन एनवायरनमेंट। ये दिस इज एक्सक्लूसिवली मेराइन, बट सभी मेराइन एनवायरनमेंट में ट्रॉपिकल टेम्परेचर हो या पोलर टेम्परेचर हो, सब में आपको ये फॉसिल मिल जाएगा। डेप्थ वाइज तो आपको बता चुका हूँ, जितना भी ग्रेटर डेप्थ हो आपको ये फॉसिल मिल जाता है। ओके, तो उसके आगे चलते हैं। इसके आगे है दोस्तों इसका और एक नाम, ECHINO, इक्नो IDEA। इक्नो का मीन्स क्या है दोस्तों? स्पाइन। ओके, क्योंकि इसके बॉडी में बहुत सारे छोटे छोटे स्पाइन होते हैं, प्राइमरी स्पाइन, सेकेंडरी स्पाइन, बहुत सारे होते हैं। ओके, आइडिया मीन्स टेस्ट। जिसका भी, जिस फॉसिल का भी टेस्ट में स्पाइन रहता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? इक्नो आइडिया। उसके नाम को अगर डिवाइड कर देंगे तो हमें उसका मतलब पता लग जाता है, क्योंकि इक्नो आइडिया में बहुत सारे स्पाइन रहते हैं, उसके जो टेस्ट में क्या रहता है? स्पाइन रहते हैं दोस्तों। और ये जो टेस्ट है बहुत ही हार्ड होता है, हार्ड, रिजिड, वेरी रिजिड। ओके, ये जो टेस्ट है, ये जो स्केलेटन है, आप देख सकते हैं दिस इज वेरी हार्ड एंड वेरी रिजिड। तो इसी रिजिड बॉडी को, और इसी टेस्ट का एक दूसरा भी नाम है, उसको बोलते हैं स्टेरियम, स्टेरम। दिस इज वेरी हार्ड, एंड स्टेरम का जो कंपोजिशन क्या है दोस्तों? CaCO3। तो इक्नो आइडिया का जो कंपोजिशन है दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, इसका जो आप देख रहे हैं ये वाला सरफेस का कंपोजिशन क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। उसका दोस्तों ये, उसका जो माउथ है दोस्तों,
ये जो इक्नोइड आप देख रहे हैं, ये तो ऊपर से ही देख रहे हैं, ये इसका 3D व्यू। ओके, जस्ट एक ग्लोबुलर शेप का होता है ये, इसका शेप अगर देखेंगे तो ये दिस इज ग्लोबुलर स्फेरिकल, ओके, हार्ट लाइक शेप। तो जनरली ये एक स्फेरिकल बॉडी होता है। ओके, इसका जो माउथ होता है दोस्तों नीचे भाग में रहता है, बॉटम पे माउथ रहता है, सॉरी माउथ रहता है, BOTTOM उसका माउथ है ये। ओके, टॉप में दोस्तों क्या रहता है, उसका आनस वाला पार्ट रहता है जहाँ से उसका एक्सक्रीशन प्रोडक्ट और मतलब कि फिकल मेटल निकलता है, आनस उसको बोला जाता है। तो इसको बॉटम पार्ट आनस कहाँ पे रहता है दोस्तों, टॉप पे। ओके, इसको कोई कोई ओरल साइड बोला जाता है, ओरल पोल बोलते हैं इसको कोई कोई, अब ओरल साइड बोलते हैं, अब ओरल साइड दोस्तों इसको हम बोलते हैं। ये बहुत ही टेस्ट बहुत ही रिजिड है। यहाँ पे बहुत सारे वाटर वेस्कुलर सिस्टम आपको मिलेंगे जो कि उसको लोकोमोशन करने में हेल्प मिलता है, लोकोमोशन मतलब आगे बढ़ने में हेल्प मिलता है, कैप्चर फूड और खाने पीने में, रेस्पिरेशन करने में उसका जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है बहुत ही दोस्तों उसको हेल्प करता है। ओके, इसका जो स्पाइन भी है वही है, स्पाइन भी वाटर फिल ट्यूब जैसा भी बिहेव करता है। ओके, वो भी लोकोमोशन कर, यहाँ पे तो स्पाइन छोटा छोटा दिख रहा है लेकिन एक एक इक्नोइडिया में बहुत बड़ा बड़ा भी स्पाइन होते हैं, वहाँ पे भी वाटर फील्ड ट्यूब रहता है जो कि लोकोमोशन करने में उसको बहुत ही हेल्प करता है। ओके, शेप को तो यहाँ पे ये तो एक ग्लोबुलर शेप है, इसको आप देखेंगे तो ये एक ग्लोबुलर शेप जैसा राउंडेड ओवल। ओके, और कुछ होते हैं हार्ट लाइक शेप जिसको आप जैसे कि ऑर्किन्स आप देखे होंगे। ओके, तो ये जो ग्लोबुलर शेप वो थोड़ा उनको क्या बोला जाता है, रेगुलर इक्नोइडिया, और जो हार्ट लाइक शेप होते हैं उनको क्या बोला जाता है, इरेगुलर। बाद में उसका मतलब डिस्टिंग्विश करूंगा कि कौन सा रेगुलर इक्नोइडिया है और कौन सा इरेगुलर इक्नोइडिया है। ओके, तो डेफिनेटली पहले हम थोड़ा उसका बेसिक ही जान लेते हैं कि यहां से उसका मॉर्फोलॉजी को देखते हैं थोड़ा क्या क्या है। मॉर्फोलॉजी में यही है दोस्तों, ये जो टेस्ट है, टेस्ट एक इसका जो सॉफ्ट पार्ट जो हार्ट लंग्स ओके जो भी है उसका सॉफ्ट पार्ट, इसको दोस्तों उसका टेस्ट बहुत ही अच्छे से कवर करके रखता है, तो इसीलिए ये बहुत ही हार्ड है। ओके, तो उसके बाद और ये जो एक्सटर्नल पार्ट है यही सब कुछ है उसका। ओके, यही उसका बॉडी को बचा के रखता है, उसका माउथ नीचे की भाग में होता है, उसका जो टॉप, उसका जो टॉप में आपको आनस मिल जाएगा दोस्तों। ओके, तो ये दोस्तों ये एक ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी बोला जाता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी, क्योंकि तीन बार ये कोटेड है दोस्तों। मैं आपको बताऊंगा तीन बार कोटेड कैसा है। पहला कोटेड है ये, देखिए आप आनस को देख सकते हैं, ये जो डॉट वाला पॉइंट है आप इसको देखिए, ये दोस्तों आनस है। ओके, इसके साइड में एक सराउंडिंग है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये देखिए ये एक नंबर एक वाला लेयर है, इसको मैं कलर कर दे रहा हूँ, ये एक लेयर है। उसके बाद दूसरा लेयर ये है दोस्तों, ये जेनिटल प्लेट बोला जाता है, इसको हम जेनिटल प्लेट बोलते हैं। ओके, जेनिटल प्लेट के बीच में ये देखिए, एक दो जेनिटल प्लेट के बीच में ये देखिए, ये इनको हम ओकुलर प्लेट बोलते हैं, ये टोटल को हम ओकुलर जेनिटल रिंग बोलते हैं। ओके, ये टोटल को, ये जो टोटल एक राउंड, ये जो एक सराउंडेड है इसको हम ओकुलो जेनिटल रिंग बोलते हैं। ओके, पहला रिंग क्या है ये, दूसरा वाला ये, ओके ये, और तीसरा वाला दोस्तों ये अम्बुलक्रल है। ओके, तो हमारा जो मतलब कि तीन लेयर आपको बोला था ट्रिप्लोब्लास्टिक, इसीलिए बोलते हैं कि ये तीन लेयर से कवर्ड है। ओके, तो इसीलिए इसको ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी लेयर बोलते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी लेयर। ओके, ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी लेयर क्यों ट्रिप्लोब्लास्टिक, एक क्या है, पहला तो एक मतलब कि एक पेरिपोक्ट है, पेरिपोक्ट बताऊंगा अभी, जो कि उसका आनस को कवर करके रखता है, ये वाला को पेरिपोक्ट बोलते हैं। ओके, उसके बाद क्या है, ये ओकुलो जेनिटल रिंग बोलते हैं, उसके बाद ये क्या है, अम्बुलक्रल रिंग बोलते हैं। तो डेफिनेटली ये तीन बार लेयर हो चुका है, तो इसीलिए ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी लेयर इसको हम बोलते हैं दोस्तों। ओके, और इसका जो सिमेट्री है दोस्तों, इसका सिमेट्री क्या है, इसका सिमेट्री एक बायलेटरल है, जो भी मतलब एक सिमेट्री ये रेडियल दिखाता है दोस्तों, रेडियल, और दूसरा कुछ कुछ मतलब कि इक्नोइडिया उसका दोस्तों क्या है, बायलेटरल सिमेट्री दिखाता है, जो कि मतलब कि रेगुलर या इक्नोइडिया होते हैं, जैसे कि वो थोड़ा ऊपर जैसा है और नीचे भी ऐसा ही है। ओके, उसका ये उसका बॉडी है।
तो ये उसका आनस वाला पार्ट है, ये उसका माउथ वाला पार्ट है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये देखिए, जैसे कि इसको देख सकते हैं, यहाँ पे एक रेडियल सिमेट्री यहाँ पे आप देख सकते हैं, पेंटामोरस रेडियल सिमेट्री आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, ये 360 बुलाएंगे तो सेम ही रिफीट होते, लेकिन कुछ ऐसे भी मतलब कि आपको बाद में दिखाऊंगा, ऐसे भी दोस्तों इक्नोइडिया मिलते हैं। इनको हम हार्ट लाइक शेप इक्नोइडिया बोलते हैं, इनको हम इरेगुलर इक्नोइडिया बोलते हैं। इरेगुलर जनरली सो बायलेटरल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री। ओके, तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको बायलेटरल, ये दोस्तों ये रेडियल सिमेट्री है, रेडियल सिमेट्री। ओके, इसको देखिए, ये तो रेडियल नहीं होगा क्योंकि ये 360 डिग्री में सेम एंगल नहीं है ना, तो इसको यहाँ से डिवाइड कर लीजिए, एक ये हो गया सेम, एक ये हो गया, एक मतलब कि यहाँ पे इक्नोइडिया को आप दो बार सिमिलर से यहाँ पे आप डिवाइड कर सकते हैं, तो इसीलिए इसको प्लेन ऑफ बायलेटरल सिमेट्री, ये आधे बायलेटरल, ये जो हार्ट लाइक शेप वाला इक्नोइडिया आपको देखने को मिल रहा है, ये दोस्तों बायलेटरल सिमेट्री यहाँ पे आपको दिखाता है। ओके, तो आपको ये बताना था कि देखिए ये एक थे, ये एक है, इसका दोस्तों ये आनस वाला पार्ट है, इसका ये दोस्तों माउथ वाला पार्ट है। जब आनस, ओके, ये माउथ वाला पार्ट को हम ओरल पोल बोलते हैं, ORAL, ओरल पोल। जो आनस वाला पार्ट को हम अब ओरल पोल बोलते हैं, अब ओरल पोल बोलते हैं दोस्तों। ओके, जब ये कोस एक्सियली सेंट्रल पे रहेंगे तो इनको दोस्तों हम रेगुलर या इक्नोइडिया बोलते हैं, रेगुलर या इक्नो आइडिया बोलते हैं। ओके, रेगुलर या इक्नोइडिया बोलते हैं। लेकिन कुछ कुछ दोस्तों कोएक्सियली प्रेजेंट ही नहीं रहते, जैसे कि ऐसे कोई कोई हार्ट लाइक से, जैसे कि इसको देखें, इसका दोस्तों जो ओरल साइड था और अब ओरल दोस्तों कोएक्सियली प्रेजेंट नहीं रहते, तो जिसका दोस्तों ओरल पोल और जिस दूसरों का अब ओरल पोल, जब वो मतलब एक ही सेंट्रल पे नहीं रहेंगे, उनको दोस्तों इरेगुलर या इक्नोइडिया बोलते हैं। ओके, इरेगुलर या इक्नोइडिया हम बोलते हैं। ओके, जनरली इरेगुलर या इक्नोइडिया पोजेस बायलेटरल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री। ओके, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ओके, तो यहाँ पे जो ओरल पोल है, ओरल पोल कहाँ पे होता है दोस्तों, निचली हिस्सा में, और अब ओरल पोल ऊपर में रहता है दोस्तों। यहाँ पे ओरल पोल में क्या रहता है, माउथ। ये जो माउथ को जो मतलब कि कवर करता है, जो सराउंडेड करता है मतलब कि लाइन, उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टोम, PERI पेरिस्टोम। जो आनस को दोस्तों कवर करता है, पहला जो राउंड आपको दिखता है, ये देखिए, ये दोस्तों आनस है उसका, ये राउंड, ये राउंड, ये राउंड, ये राउंड, ये राउंड। ओके, इसी राउंड को हम पेरिप्रोक्ट बोलते हैं, पेरिप्रोक्ट। ओके, पेरिप्रोक्ट। ओके, तो रेगुलर इक्नोइडिया में तो ये सेंट्रली प्लेस रहेंगे। ओके, तो पेरिप्रोक्ट, इसको हम ओरल भी बोलते हैं, ओरल साइड पे मिलता है, ओरल साइड पे। ओके, उसके बाद दोस्तों ये जो माउथ वाला पार्ट को हम वेंट्रल साइड बोलते हैं, वेंट्रल साइड। अब पेरिप्रोक्ट कहाँ पे रहता है दोस्तों, डोर्सल साइड पे, डोर्सल साइड इसको हम बोलते हैं। तो पेरिप्रोक्ट के साथ, पेरिप्रोक्ट के साथ क्या रहता है दोस्तों, 5 जेनिटल प्लेट, 1, 2, 3, 4, 5। ओके, 5 दोस्तों क्या है, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये दोस्तों जेनिटल प्लेट। ओके, तो ये 5 दोस्तों क्या है, जेनिटल प्लेट है। ओके, तो इन 5 जो प्लेट यहाँ पे आपको दिखा रहा हूं, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 प्लेट के बीच में क्या होता है दोस्तों, ओकुलर प्लेट। ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5। 5 किसको बोलते हैं, ओकुलर प्लेट। तो इन्होंने पेरिप्रोक्ट को, ये जो पेरिप्रोक्ट है, इसको दोस्तों एक रिंग के जैसा यहाँ पे बाउंड करके रखा है। तो ये रिंग को क्या बोलते हैं हम, OCU, ओकुलो जेनिटल रिंग। ओके, ये जो रिंग है इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, ओकुलो जेनिटल रिंग। यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे पोर स्पेसेस रहते हैं दोस्तों, उसको हम क्या बोलते हैं, मेडरोपोराइट पोर्स। ओके, और जिस प्लेट, इसी प्लेट में, जेनिटल प्लेट में मेडरोपोराइट प्लेट भी बोलते हैं। ये जो यहाँ पे जो पोर स्पेसेस होता है ना, इसको मेडरोपोरिक
पोर्स बोला जाता है, और इसी जगह को हम मेडोरोपोराइट जेनिटल प्लेट के अंदर मेडोरोपोराइट प्लेट इसको बोलते हैं। यहाँ पे दोस्तों वाटर जो इंटरनल वाटर है वो एक्सटर्नल वाटर के साथ यहाँ पे कनेक्टेड है, यहाँ से ही वो प्रोटीन मतलब कि वगैरह बाहर से ये ले सकता है। ओके, तो ये मेडोरोपोराइट प्लेट का काम यही है दोस्तों, एक्सटर्नल एनर्जी को वो कलेक्ट कर सकता है। ओके, तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये जो आपको बता रहा हूँ कि ये उसका टेस्ट है, टेस्ट में क्या होता है, ये सबसे बड़ा एक डायमीटर रहता है, ये टेस्ट में एक सबसे बड़ा, ये बीच में ही होगा उसका डायमीटर, उसी को दोस्तों हम एम्बिशियस बोलते हैं। ओके, यहाँ पे क्या रहता है, सबसे बड़ा एक डायमीटर, इसी को हम डायमीटर कौन सा है जो सबसे बड़ा है, क्योंकि ये बीच में से ही होगा ना सबसे बड़ा डायमीटर, इसी को हम क्या बोलते हैं, एम्बिशियस दोस्तों हम बोलते हैं। ओके, ये हो गया क्या आपका ओकुलोजेनिटल रिंग। ओकुलोजेनिटल रिंग के बाद क्या होता है, ये सब एम्बुलेक्रल प्लेट है दोस्तों, ये जितने भी आप देख रहे हैं एम्बुलेक्रल प्लेट है। यहाँ पे कुछ प्लेट को जो बड़े वाले प्लेट को आप क्या बोलते हैं दोस्तों, इंटर एम्बुलेक्रल। ये देखिए दोस्तों, ये बड़े वाला एक प्लेट है, एक ये देखिए दोस्तों इंटर एम्बुलेक्रल। ओके, और जो टोटली ओकुलर प्लेट से निकला हुआ है, ये टोटली ओकुलर प्लेट से निकला हुआ है, इसको दोस्तों आप एम्बुलेक्रल प्लेट बोलते हैं। तो एक ही रेगुलर इक्नोइडिया पे आपको ऐसा पांच प्लेट देखने को मिलेगा, ये देखिए इंटर एम्बुलेक्रल, उसके बीच में क्या है एक दोस्तों, ये दोस्तों आपका एम्बुलेक्रल, उसके बीच में क्या है, ये आपका हो गया इंटर एम्बुलेक्रल प्लेट। तो ऐसा दोस्तों आपको पांच एम्बुलेक्रल प्लेट, यू विल गेट हियर फाइव एम्बुलेक्रल प्लेट, एम्बुलेक्रल प्लेट एंड फाइव इंटर एम्बुलेक्रल प्लेट, इंटर एम्बुलेक्रल प्लेट। तो ये दोस्तों एक उसका मॉर्फोलॉजी में ये भी शामिल है, पहले तो क्या आता है पेरिप्रोक्ट, उसके बाद ओकुलोजेनिटल रिंग, उसके बाद क्या होता है एम्बुलेक्रल। एम्बुलेक्रल प्लेट में क्या होता है, पांच एम्बुलेक्रम पांच इंटर एम्बुलेक्रम प्लेट जो बड़े बड़े होते हैं। ओके, जहां का बीच वाला पार्ट, ये दोस्तों जेनिटल प्लेट से निकला हुआ है, ये जेनिटल प्लेट से निकला हुआ है, ये देखिए दोस्तों जेनिटल प्लेट से निकला हुआ है, ये जेनिटल, यहां से क्या फॉर्मेशन होता है दोस्तों, आपका इंटर एम्बुलेक्रल प्लेट फॉर्मेशन होता है जो बड़े बड़े होते हैं, जो छोटे छोटे होते हैं दोस्तों एम्बुलेक्रल प्लेट फॉर्मेशन होते हैं। ओके, इनिशियली जब आप मतलब कि प्रिमिटिव इक्नोआइडिया देखेंगे, प्रिमिटिव इक्नोआइडिया कैसे होते हैं दोस्तों, रेगुलर जैसा, रेगुलर इक्नोआइडिया जैसा बिहेव करते हैं दोस्तों। ओके, उसके बाद जब भी उसका इवोल्यूशन हुआ, जब मतलब कि आप पालियोजोइक टाइम पे रेगुलरिया इक्नोआइडिया पहला आया, उसके बाद दोस्तों इरेगुलरिया इक्नोआइडिया हुआ, जो जिसका शेप की एक हार्ट लाइक का शेप, उनमें थोड़ा इवोल्यूशन होके ये तैयार हो गया। लेकिन पहले जो आपको प्रिमिटिव इक्नोआइडिया के बारे में आप मतलब कि स्टडी करेंगे तो डेफिनेटली प्रिमिटिव इक्नोआइडिया ऐसा ही दिखता था। ओके, जैसे रेगुलर, जिसका मतलब कि ओरल पोल एंड अबोरल पोल आर इन ए कोएक्सिस। ओके, तो अभी हम उसको आगे थोड़ा बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक इरेगुलरिया इक्नोआइडिया है, ये एक दोस्तों रेगुलर इक्नोआइडिया है। ओके, तो आपको फिर से बता रहा हूँ कि एक एम्बिशियस उस टाइम लिखा नहीं था। ओके, इक्नोआइडिया का जो एम्बिशियस है, MBITUOUS, थोड़ा स्पेलिंग चेक कर लेना दोस्तों, एम्बिशियस कौन सा है, दिस इज दी हाइस्ट डायमीटर, मतलब कि मैक्सिमम डायमीटर ऑफ टेस्ट। ओके, कहाँ पे होता है, ये देखिए अब ओरल पोल, ये ओरल पोल, ये देखिए यहाँ पे दोस्तों ये वाला जो पार्ट है, ये इस एरिया पे सबसे हाईली मैक्सिमम डायमीटर होता है। ओके, ये वाला में छोटा हो जाता है, ये वाला में छोटा हो जाता है, ये पे गोल होता है। ओके, लेकिन ये वाला एरिया थोड़ा मतलब कि जैसे कि अर्थ के बल्जेस कहाँ पे इक्वेटर में होता है, तो यहाँ पे भी दोस्तों उसका सेंट्रल पार्ट में आपको बहुत बड़ा एक डायमीटर देखने को मिलेगा, उसी डायमीटर को क्या बोलते हैं दोस्तों हम, ओके, उसी डायमीटर को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, हम एम्बिशियस बोलते हैं। तो मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द टेस्ट, ये थोड़ा याद रखना, एग्जाम में पूछता है बहुत बार। ओके, उसका आनस कहाँ पे रहता है दोस्तों, यहाँ पे आनस को कवर किया पेरिफोक्ट, यहाँ पे दोस्तों माउथ रहता है, माउथ को कवर किया जाता है पेरिस्टोम। ओके, पेरिस्टोम, तो उसके बाद यहाँ पे इसको हम ओरल साइड, वेंट्रल साइड भी बोलते हैं, इसको हम डोर्सल साइड भी बोलते हैं। ओके, तो यही था दोस्तों उसका मतलब कि एक छोटा सा मॉर्फोलॉजी, उसके हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसका आगे हमें यही मिलता है कि देखिए मेडोरोपोराइट प्लेट और दूसरा है
दोस्तों जेनिटल प्लेट। ओके, जेनिटल प्लेट में जो छोटे मोटे मतलब कि प्लेन्स होते हैं, सॉरी छोटे मोटे जो पोर स्पेसेस होते हैं उसके द्वारा एक मतलब कि प्लेन दोस्तों पास करता है जेनिटल प्लेट के साथ ही। उसी प्लेन को दोस्तों माडेरोपोराइड प्लेन हम कहते हैं। अगर वो ओकुलर वो प्लेन अगर दोस्तों ओकुलर प्लेट से वो दोस्तों पास कर रहा है तो उसको हम लोभेंस प्लेन बोलते हैं दोस्तों। ओके, लोभेंस प्लेन, LOVEN, लोभेंस प्लेन, द प्लेन व्हिच इज पास थ्रू बाय ओकुलर प्लेट, द प्लेन व्हिच इज पास थ्रू बाय ओकुलर प्लेट। ओके, अदरवाइज दूसरे वाले प्लेन को जो अगर जेनिटल प्लेट के साथ पास करता है, जेनिटल प्लेट कौन सा, ये एक जेनिटल प्लेट, इसके साथ अगर पास करेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, माडेरोपोरिक प्लेन। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ओके, इसी यहां पे जो आपको पोर स्पेस देखने को मिल रहा है, दीज पोर स्पेसेस आर कनेक्टेड इंटरनल वाटर टू एक्सटर्नल। ओके, क्योंकि बहुत सारे चीज क्या होता है कि मतलब कि न्यूट्रिएंट चाहिए मतलब कि खुद के डेवलपमेंट के लिए, पौड़ी का डेवलपमेंट के लिए, इसीलिए ये वाला जो पार्ट है जेनिटल सॉरी माडेरोपोरिक प्लेट का जो पार्ट है वहां पे जो पोर स्पेसेस होते हैं ये दोस्तों एक्सटर्नल वाटर से इंटरनल वाटर तक कनेक्ट करता है, जहां से वो फूड कलेक्ट कर सकता है, वाटर कलेक्ट कर सकता है दोस्तों। ओके, तो यही था दोस्तों, यहां पे आपको 10 एम्बुलेक्रल प्लेट, 10 इंटर एम्बुलेक्रल प्लेट, बस यही था उसका मतलब कि मॉर्फोलॉजी। और एक आपको चीज बताना भूल गया, वो है दोस्तों एपिकल डिस, एपिकल डिस, एपिकल डिस क्या है दोस्तों, अभी जो आपको बताया पेरिपोप्ट, पेरिपोप्ट प्लस ओकुलोजेनिटल रिंग, ओकुलोजेनिटल रिंग को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, एपिकल डिस। ओके, ओकुलोजेनिटल रिंग मतलब इसी वाला पार्ट को, आप ये पेरिपोप्ट है प्लस ओकुलोजेनिटल रिंग, ये वाला पार्ट है ना, नहीं, ये टोटल को हम क्या बोलते हैं, एक एपिकल डिस। तो एपिकल डिस दोस्तों कहां मिलता है, डोर्सल साइड पे या वेंट्रल साइड पे, दोस्तों एपिकल डिस हमें मिलता है वेंट्रल साइड पे, सॉरी एपिकल डिस हमें मिलता है डोर्सल साइड पे। ओके, एपिकल डिस हमें कहां पे मिलता है, डोर्सल साइड और अब ओरल पोल पे, अब ओरल पोल। तो ये थोड़ा दोस्तों याद रख लेना। ओके, तो उसके बाद क्या आता है दोस्तों, हमारा एक्सर्ट कंडीशन एंड इंसर्ट कंडीशन, मतलब कि जब भी आप इसको स्टडी करेंगे, एक दो फॉर्मेशन होता है दोस्तों, एक एक्सर्ट फॉर्मेशन जहां पे क्या होता है कि आप ये देखिए, ये आपका माउथ, सॉरी माउथ नहीं, आनस हो गया, आनस के साइड में क्या है दोस्तों, पेरिफोक्ट है। ओके, आनस के साइड में क्या है, पेरिपोक्ट है, इसमें क्या है, जेनिटल प्लेट है, जेनिटल प्लेट कितना है दोस्तों, 5, 1, 2, 3, 4, 5। ओके, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जेनिटल प्लेट टोटली डिटैच, एक जेनिटल प्लेट से दूसरा जेनिटल प्लेट टोटल डिटैच है, तो इसके बीच में क्या होता है कि ओकुलर प्लेट, ये 1, ये 2, ये दोस्तों 3, ये दोस्तों 4, ये दोस्तों 5। जब ओकुलर प्लेट टचेस द बाउंड्री ऑफ और पेरिफेरी ऑफ पेरिप्रोक्ट, देन दिस इज कॉल्ड एज इंसर्ट कंडीशन। यहां पे क्या कर रहा है, ओकुलर प्लेट इज टचिंग दी, ओकुलर प्लेट इज टचिंग दी बाउंड्री ऑफ पेरिप्रोक्ट, इफ दी ओकुलर प्लेट, ओकुलर प्लेट टचिंग दी बाउंड्री ऑफ, बाउंड्री ऑफ व्हाट, पेरिपोक्ट, देन दिस इज नॉन एज व्हाट, इंसर्ट कंडीशन, इंसर्ट कंडीशन और एंडोसाइक्लिक कंडीशन भी इसको बोलते हैं। ये थोड़ा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ चुका है। ओके, जीएसआई में भी 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा दोस्तों, व्हाट इज द इंसर्ट कंडीशन ऑफ इक्नोइडिया और एंड एग्जैक्ट कंडीशन ऑफ इक्नोइडिया। जब दोस्तों यहां पर देखिए, लेकिन यहां पर थोड़ा केस अलग है, यहाँ पे देखिए ये जेनिटल प्लेट है, ऐसा 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 है, तो ओकुलर प्लेट दोस्तों यहाँ पे टच नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं, यहाँ पे ओकुलर प्लेट दोस्तों यहाँ पे है, टच नहीं कर पा रहे। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों टच नहीं कर पा, ये जेनिटल प्लेट है, तो ओकुलर प्लेट कहाँ पे, ये है, ये है, ये है दोस्तों, इसका देखिए यहाँ पे टच नहीं हो पा रहा, यहाँ पे दोस्तों ये इसका आनस है, यहाँ पे जेनिटल प्लेट कैसा है, ऐसा 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 ऐसा, तो यहाँ पे टच नहीं कर पा रहा, तो ये ओकुलर प्लेट है। तो जब दोस्तों ये ओकुलर प्लेट कैन नॉट टच द बाउंड्री ऑफ पेरिप्रोक्ट, देन दिस कंडीशन इज नोन एज एक्सर्ट कंडीशन,
इफ ऑक्युलर प्लेट, ऑक्युलर प्लेट प्लेट नॉट टच टच व्हाट पेरिप्रॉक्ट पेरिप्रॉक्ट देन हम उससे क्या बोलेंगे एग्जैक्ट कंडीशन, एग्जैक्ट कंडीशन दोस्तों, और एक्सोसाइक्लिक उसको कंडीशन हम बोलते हैं दोस्तों। एंडोसाइक्लिक इंसर्ट कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इंसर्टेड कंडीशन को हम एंडोसाइक्लिक बोलते हैं, एक्सर्टेड कंडीशन को हम क्या बोलते हैं दोस्तों एक्सोसाइक्लिक, सॉरी इंसर्टेड कंडीशन को हम एंडोसाइक्लिक बोलते हैं, एक्सर्टेड कंडीशन को हम एक्सोसाइक्लिक बोलते हैं। ओके तो यही था दोस्तों एक्सर्टेड फॉर्म और इंसर्टेड फॉर्म, तो डेफिनेटली इसको थोड़ा याद रख लीजिएगा। एपिकल डिस्क क्या था आपको बता चुका हूँ, एपिकल डिस्क कहाँ पे मिलता है, जनरली डोर्सल साइड पे मिलता है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है। ओके तो उसके बाद आपको बताना था कि मैटरपोरिक प्लेन क्या है, ऑब्वियसली जो दी प्लेन विच इज पासिंग थ्रू, दी प्लेन विच इज पासिंग थ्रू दी जेनिटल प्लेट उसको हम मैटरपोरिक प्लेन बोलते हैं, और लोवेंस प्लेन किसको बोलते हैं, दी प्लेन विच इज पासिंग थ्रू, दी प्लेन विच इज पासिंग थ्रू ऑक्युलर प्लेट, देन उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, हम उसको लोवेंस प्लेन बोलते हैं। जेनिटल प्लेट में बहुत सारे जेनिटल फोर्स होते हैं, बस यही था दोस्तों उसका ये मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में आपको पहले मैं बोल चुका था कि एक रेगुलर इक्नोआइडिया होते हैं, एक इरेगुलर इक्नोआइडिया होते हैं, तो उनके बारे में डिफ्रेंसिएशन क्या है उसको अभी हम स्टडी करेंगे दोस्तों। पहले लिख देता हूँ रेगुलर इक्नोआइडिया, रेगुलरिया इक्नोआइडिया, देन आता है दोस्तों इरेगुलरिया, इरेगुलरिया इक्नोआइडिया। ओके तो हम इसका डिवीजन कर चुके हैं, तो पहला पॉइंट यही है दोस्तों रेगुलरिया इक्नोआइडिया में क्या होता है कि ये स्फेरिकल शेप, स्फेरिकल शेप होता है। ओके ये दोस्तों हार्ट लाइक शेप, टेस्ट इज नॉट स्फेरिकल, स्फेरिकल शेप टेस्ट। ओके इधर क्या है दोस्तों, टेस्ट इज हार्ट लाइक शेप, हार्ट लाइक शेप। ओके ये दोस्तों क्या होता है कि रेडियल सिमेट्री है, ये दोस्तों क्या है रेडियल सिमेट्री, ये दोस्तों रेडियल सिमेट्री नहीं है, ये दोस्तों क्या है बायलेटरल सिमेट्री। इरेगुलर ऑल द इरेगुलर इक्नोआइडिया शोज बायलेटरल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री। ओके यहां पे क्या होता है कि दोस्तों जो आनस होता है, आनस एंड माउथ, पेरिस्टोम एंड पेरिफोक्ट आर सेंट्रल, यहां पे आनस एंड माउथ नॉट सेंट्रल, नॉट सेंट्रल दोस्तों, ये थोड़ा याद रखना। एपिकल डिस्क आपको यहां पे मतलब कि इंसर्टेड मिलेगा, एपिकल डिस्क आपको बोल चुका हूं कि इंसर्टेड कंडीशन आपको बोल चुका हूं कि जहां पे ऑक्युलर प्लेट टच करेगा पेरिफ्रॉक्ट को। ओके यहां पे जो एपिकल डिस्क होगा, एपिकल डिस्क व्हिच इज कॉन्स्टिट्यूट विथ पेरिफ्रॉक्ट प्लस ऑक्युलोजेनिटल रिंग, एपिकल डिस्क इज इंसर्टेड, इंसर्टेड इंसर्ट कंडीशन इंसर्टेड। ओके हियर एपिकल डिस्क इज, एपिकल डिस्क इज एक्सर्टेड, एक्सर्टेड। ओके एक्सर्टेड कंडीशन, तो डेफिनेटली ये दोनों आप याद रख लीजिएगा, एपिकल डिस्क रेगुलर इक्नोआइडिया पे इंसर्टेड, जहां पे आपका जेनिटल प्लेट सॉरी ऑक्युलर प्लेट टच करता है पेरिफ्रॉक्ट बाउंड्री को, यहां पे दोस्तों टच नहीं करता है। ओके उसके बाद दोस्तों यहां पे बहुत सारे बड़े बड़े स्पाइंस मिलेंगे, स्पाइंस ट्यूबरक्लूज ये सब मिलेंगे, बहुत प्राइमरी एंड सेकेंडरी यहां पे भी मिलेंगे, लेकिन स्मॉल स्पाइन, स्मॉल स्पाइन यहां पे लार्ज थोड़ा होंगे, लार्ज स्पाइन मिलेंगे आपको, यहां पे स्मॉल स्पाइन मिलता है। ओके उसके बाद क्या है दोस्तों, अरिस्टोटल लैंटेन प्रेजेंट, अरिस्टोटल लैंटेन प्रेजेंट, अरिस्टोटल लैंटेन क्या है दोस्तों कुछ नहीं, उसका एक टीथ लाइक स्ट्रक्चर है जो कि उसका ओरल साइड पे आपको मिलेगा। ओके ये माउथ है, माउथ के पास ही अरिस्टोटल लैंटेन प्रेजेंट रहता है, लेकिन हार्ट लाइक जो इक्नोआइडिया होते हैं, जो इरेगुलर इक्नोआइडिया होते हैं, अरिस्टोटल लैंटेन इज एब्सेंट। ये जो प्रिंसिपल को अरिस्टोटल ने डेवलप किए थे, तो इसको इसलिए अरिस्टोटल लैंटेन प्रिंसिपल बोला जाता है, अरिस्टोटल
लैंटिन एब्सेंट। और दूसरा है दोस्तों फेसियल, फेसियल इज एब्सेंट हियर, एफ ए एस सी ए, क्योंकि स्पाइन बहुत ज्यादा रहते हैं ना, फेसियल इज एब्सेंट। यहां पे फेसियल इज प्रेजेंट, एफ ए सी सी आई ओ एल, फेसियल प्रेजेंट। फेसियल दोस्तों क्या होता है दोस्तों, ये बॉडी मार्क होता है दोस्तों। फेसियल क्या है दोस्तों, बॉडी मार्क। ओके बॉडी मार्क, बहुत ही स्मूथ सरफेस पे थोड़ा छोटा छोटा बॉडी मार्क को हम फेसियल बोलते हैं, जो कि इरेगुलर इक्नोइडिया पे जो दोस्तों प्रेजेंट रहता है और इरेगुलर इक्नोइडिया पे एब्सेंट रहता है। ओके आगे दिखाता हूँ, ये दोस्तों उसका डोर्सल व्यू है, आप देख सकते हैं, और इस ये इसका साइड व्यू है। यहाँ पे दोस्तों एम्बिचियो से ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट डायमीटर इसी के आसपास ही होता है। ओके ये वेंट्रल व्यू जो पे, और यहाँ पे दोस्तों अरिस्टोटल लैंटेन होते हैं, ये जो जो टाइप का जो शेप होता है ना दांत टीथ, उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, अरिस्टोटल लैंटेन। आगे मैं आपको ये देखिए दोस्तों अरिस्टोटल लैंटेन क्या है, ये देखिए ये जो टीथ लाइक का आपको दिख रहा है, इसको हम अरिस्टोटल लैंटेन बोलते हैं। ओके अरिस्टोटल लैंटेन हम इसको बोलते हैं दोस्तों। ओके अरिस्टोटल लैंटेन बहुत सारे हमें मतलब कि ये करता है कि ये जनरली आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, रेगुलर या इक्नोइडिया पे, जहाँ पे ओरल पोल अब ओरल पोल एक कोएक्सियल में रहते हैं, और जो है फासियल और दोस्तों हार्ट लाइक शेप जहाँ पे होता है, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे 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 बॉडी मार्क आपको जहाँ पे दिखने को मिलेगा उससे फासियल, ये जनरली मतलब इरेगुलर इक्नोइडिया पे देखने को मिलता है। आगे देखते हैं दोस्तों उसका मतलब इवोल्यूशनरी ट्रेंड। ओके इवोल्यूशन हिस्ट्री देखते हैं, इवोल्यूशनरी ट्रेंड, इवोल्यूशनरी ट्रेंड कैसा है दोस्तों, उसका पहले रेगुलर इक्नोइडिया, पहले जो पालियोजोइक में पहला कैम्ब्रियन ऑर्डोविसन के टाइम मिला था, ओके रेगुलरिया इक्नोइडिया पहले डेवलप होता है, रेगुलरिया इक्नोइडिया, उसके बाद जब टाइम चलता गया उनका इवोल्यूशन होता गया, इरेगुलरिया पहले मिला, ओके सेकेंड टाइम में इरेगुलरिया, ये दोस्तों जुरासिक टाइम में बहुत ही हाईली डेवलप हुआ था इरेगुलरिया। ओके ये ओल्डर है, ये दोस्तों यंगर है। ओके उसके बाद क्या था कि यहाँ पे अगर रेगुलर में क्या था, एक माउथ एंड एक आनस वाला पार्ट एक सेंट्रली कोएक्सियली थे, यहाँ पे दोस्तों ये माउथ एंड द पोजिशन ऑफ माउथ एंड आनस चेंज, क्योंकि इरेगुलरिया में सेंट्रली तो नहीं रहेंगे तो ऑब्वियसली माउथ का पोजीशन चेंज ही होता है। ओके यहाँ पे क्या होता है कि पेरीफ्रॉक्ट का माइग्रेशन होता है, अगर यहाँ पे दोस्तों आपका आनस के पास आपका पेरीफ्रॉक्ट मिलता है, लेकिन जब इरेगुलर होएगा तो पेरीफ्रॉक्ट भी माउथ के साथ मूवमेंट करेगा, तो पेरीफ्रॉक्ट का मूवमेंट हुआ था दोस्तों। यहाँ पे पेरीफ्रॉक्ट सेंट्रली था, एक पेरीफ्रॉक्ट पेरिस्टम एक साथ ही थे, लेकिन यहाँ पे दोस्तों माइग्रेशन हुआ, माइग्रेशन ऑफ व्हाट पेरीफ्रॉक्ट माइग्रेट बाद में, ये प्रिमिटिव वाला केस है, प्रिमिटिव। ओके प्रिमिटिव, तो प्रिमिटिव में क्या था कि यहाँ पे पेरीफ्रॉक्ट पेरिस्टम एक साथ ही दिखते थे, लेकिन जब उनका इवोल्यूशन हुआ बाद में तो पेरीफ्रॉक्ट का माइग्रेशन हो गया दोस्तों, तो इसीलिए वो सेंट्रली प्लेस नहीं है। ओके ऑर्नामेंटेशन में क्या था दोस्तों, ऑर्नामेंटेशन उनका बहुत सारे स्पाइन था, रेगुलर इक्नोइडिया जो कि पहला वाला इक्नोइडिया है उनका लार्ज नंबर ऑफ स्पाइंस। ओके यहाँ पे लेकिन स्पाइंस थोड़ा बहुत ही घट गया दोस्तों, थोड़ा स्मूथनेस आ गया, ये जो इरेगुलर या इक्नोइडिया है ना, जो हार्ट लाइक शेप का मतलब इक्नोइडिया है ना, यहाँ पे तो स्पाइंस मिलते थे लेकिन बहुत छोटा छोटा, लेकिन यहाँ पे जो स्पाइंस थे दोस्तों बहुत ही थोड़ा बड़ा, यहाँ पे आपको स्पाइंस देखने को मिलता है। ऑर्नामेंटेशन बहुत ही हाईली ऑर्नामेंटेड, रेगुलर कौन सा वाला, रेगुलर या इक्नोइडिया, लेकिन इरेगुलर या इक्नोइडिया इतना ऑर्नामेंटेड नहीं था दोस्तों। ओके और यहाँ पे क्या होता था कि जब रेगुलर या इक्नोइडिया था तो यहाँ पे दोस्तों एम्बुलेक्रल प्लेट का जो अमाउंट था बहुत ही कम था, लेकिन जब टाइम बीतता गया आगे बढ़ता गया तो इवोल्यूशन भी बड़ा होने लगा, इवोल्यूशन ज्यादा होने के कारण यहाँ पे दोस्तों एडिशन ऑफ एम्बुलेक्रल प्लेट एडिशन हुआ, एडिशन किसका हुआ दोस्तों, एम्बुलेक्रल प्लेट का, एम्बुलेक्रल प्लेट का बहुत ही एडिशन हुआ। तो पहले जो था बहुत ही ओल्डर था, वहां पे जस्ट रेगुलर या इक्नोइडिया थे, और यहाँ पे जो एम्बुलेक्रल प्लेट के अमाउंट थे बहुत ही कम थे, स्पाइन बहुत ही ज्यादा था लेकिन एम्बुलेक्रल प्लेट कम थे, लेकिन यहाँ पे स्पाइन तो कम गया, घट गया, लेकिन एम्बुलेक्रल जो प्लेट है उनका दोस्तों बहुत ज्यादा मतलब डेवलप हुआ यहाँ पे इरेगुलरिया पे, तो आपको यहाँ पे ज्यादा एम्बुलेक्रल प्लेट देखने को मिलेगा।
तो यही था दोस्तों उसका इवोल्यूशनरी ट्रेंड। उसके बाद थोड़ा क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन क्या है दोस्तों, वो जनरली जो सेसाइल फॉर्म में मिलता है, सेसाइल फॉर्म जो कि बेंथिक सेसाइल फॉर्म में मिलता है, वो तीनों टाइप के होते हैं दोस्तों। एक होता है पेल्माटोजोया। ओके, पेल्माटोजोया का तीन भाग हैं दोस्तों। एक होता है साइस्टोआइडिया। ओके, एक होता है दोस्तों ब्लास्टोआइडिया। उसके बाद एक होता है दोस्तों क्रिनोआइडिया। ओके, क्रिनोआइडिया का मतलब कि ये दोस्तों अभी तक भी प्रेजेंट है, क्रिनोआइडिया। ओके, क्रिनोआइडिया, तो ये दोस्तों अभी तक प्रेजेंट है दोस्तों। ओके, ये कहां से कहां तक था दोस्तों, इसका एज कहां थे, कैम्ब्रियन टू डिवोनियन। ओके, ये भी एक एक्सटेंडेड फॉसिल ब्लास्टोइड है जिसका एज है दोस्तों सिलूरियन टू परमियन। ओके, और इसका एज कौन सा है दोस्तों, ये अभी तक दोस्तों प्रेजेंट है, कैम्ब्रियन टू रिसेंट। कैम्ब्रियन से स्टार्ट तो हुआ था, अभी तक रिसेंट है। ओके, अब यहाँ पे दोस्तों अगर एक एग्जांपल आप लेना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पे एग्जांपल आ जाएगा सिनोसाइस्टिस्ट। ओके, SYN सिनोसाइस्टिस्ट। ओके, यहाँ पे एग्जांपल आप ले सकते हैं ब्लास्टोआइडिया का, ले सकते हैं पेंट्रीमाइट्स। ओके, यहाँ पे आप एग्जांपल ले सकते हैं दोस्तों पेंटाक्राइमस। यहाँ पे एग्जांपल क्या है, पेंटाक्राइमस। ओके, तो ये सेसाइल फॉर्म में तीन भागों में डिवाइड हुआ है, पेल्माटोजोया। पेल्माटोजोया का एक भाग है साइस्टोआइडिया, दूसरा है ब्लास्टोआइडिया, तीसरा है क्रिनोआइडिया। ओके, ये दोस्तों एक्सटिंक्ट है, ये एक्सटिंक्ट है लेकिन ये अभी तक की प्रेजेंट है दोस्तों, ये तो याद रख लीजिएगा। और अभी अभी रिसर्च से बहुत सारे फ्री लिविंग भी मतलब कि इक्नोआइडिया मिल रहे हैं, जैसे कि एग्जांपल दोस्तों यूथेरोजोया। ओके, यूथेरोजोया एक एग्जांपल है जो कि इतना बेंथिक वेराइटी नहीं है उसका। ओके, उसके बाद जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये दोस्तों जनरली पालियोजोइक फॉसिल है, पालियोजोइक स्पेसिस है, पालियोजोइक फॉसिल, लेकिन इसका दोस्तों पीक जो डेवलपमेंट दोस्तों हुआ था मेसोजोइक पे, पालियोजोइक के बाद ही हुआ था। ओके, ये मतलब पालियोजोइक इतना अच्छे से डेवलप नहीं हो पाया था, मेसोजोइक एरा पे बहुत अच्छे से ये डेवलप हुआ दोस्तों। ओके, इवोल्यूशन जुरासिक में ज्यादा था। ओके, मेसोजोइक का जुरासिक पार्ट दोस्तों, जुरासिक में इवोल्यूशन बहुत ही हाईली था। ओके, इंडिया में आप देखेंगे तो यहाँ पे इंडिया में ये कहाँ पे डिपॉजिट था, बागबेड पे आप मिल जाएगा इसको, बागबेड और एक एरिया क्रेटासियस त्रिचिनापोली एरिया में भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन बागबेड में ये ज़्यादातर अच्छे से मिलता है दोस्तों। तो ये एक पालियोजोइक में स्टार्ट होने वाला फसिल है जो कि मेसोजोइक में हाईली इवॉल्व हुआ था दोस्तों। तो यही था दोस्तों आपका जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, उसके साथ मॉर्फोलॉजी। ओके, आपको आपका अभी का काम है, आप अमूलदास गुप्ता को पढ़ाई कर लीजिए, उसके नीचे जो भी जितने भी एग्जांपल्स है इसको थोड़ा याद रख लीजिएगा। ओके, ज़्यादा नहीं, जस्ट जो कि इम्पोर्टेंट है। ओके, और मैं तो नीचे नोट दे दूंगा आपको, वहाँ पे आप बहुत सारे चीज़ को क्लियर हो सकते हैं। लेकिन यही था दोस्तों बेसिक, जो जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ उसी को थोड़ा ध्यान से पढ़ना। एंड थैंक्स for watching this video. Okay, thank you.